हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिनसे आपके पास 2 अंक 3 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। इन सभी टॉपिक को अगर आप क्लियर और बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब ये जो टॉपिक है रामबाण है, और पिछले आपके पास 3 से 4 साल के पेपर को आप देखेंगे तो ये टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक, इन टॉपिक की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप सभी लोग बोल रहे थे ये सब चैप्टर वाइज अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए हमको कि किस चैप्टर में कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, और इन सभी टॉपिक का आप सभी को सोल्यूशन मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, या चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो सभी टॉपिक का डिटेल सोल्यूशन भी कराया गया, वहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है आपके पास बिलियन की सांद्रता। बेसिक आप लोग पढ़ते हैं बिलियन क्या होता है, बिलियन के प्रकार क्या होता है, इन सभी के बारे में बेसिक से आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिलियन की सांद्रता। और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है तो इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है कि एक मोलर किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं, फॉर्मलता किसे कहते हैं, इस टाइप का डिफिनेशन पूछ लेता है, या इनको व्यक्त कीजिए इस टाइप का पूछ लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका यह है कि इनसे हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिलियन की सांद्रता में आप बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, पीपीएम, पीपीबी, नॉर्मलता, फॉर्मलता, शक्ति, बहुत सारे टॉपिक पढ़े होंगे। लेकिन 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक है मोलरता, एक आपका है मोललता, और एक बाबू आपका है मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश। इन सभी टॉपिक को आप लोग मूल प्रभाज या मूल अंश, इन टॉपिक को बढ़िया से अगर आप क्लियर कर लेते हैं और बिलियन की सांद्रता बढ़िया से पढ़ लेते हैं, 3 चीज़ और इसमें और आ सकता है, एम बाई एम द्रव्यमान प्रतिशतता, वी बाई वी आयतन प्रतिशतता, और एम बाई वी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इन 3-6 टॉपिक जो आपके पास बिलियन की सांद्रता में आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो जितने न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इन टॉपिक से पूछे जाएंगे और आसानी से आप कर पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम भी आप 2 पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे आप अपेक्षित अनुमान के लिए और एक पढ़ाएंगे वास्तुदाब का डायरेक्ट, कि जो आपके पास आंशिक वास्तुदाब होता है मूल प्रभाज के डायरेक्टली समानुपाती होता है, और एक आप पढ़ाएंगे कि जो वास्तुदाब का अपेक्षित अनुमान होता है वो मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस टाइप का समानुपाती या बराबर होता है, तो इस टाइप का राउल्ट का नियम पढ़े हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 3 अंक आपसे बार बार पूछा जाता है। 3 अंक का ये आपसे बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो पढ़ के ही आपको एग्जाम में जाना है। क्वथनांक उन्नयन और हिमांक उन्नयन का आप फॉर्मूला देख लेंगे, इससे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बाबू, इससे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, या इसकी परिभाषा भी पूछ लेता है इसमें जो स्थिरांक आता है उसके बारे में। प्रासरण और विसरण में अंतर इस साल आपके एग्जाम में पूछा हुआ था कि प्रासरण और विसरण में क्या अंतर होता है, प्रासरण और विसरण को परिभाषित कीजिए, इसका उदाहरण लिखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। प्रासरण की बात करेंगे तो आप लोग इसमें पढ़ते हैं प्रासरण दाब के बारे में, प्रासरण दाब का मतलब पाई के बारे में। तो प्रासरण दाब में 2 नियम भी आपके पास होंगे, ठीक, वानठाप का प्रासरण का नियम हमारे पास है जो बायल के नियम के बेस पे है, वानठाप का फिर चार्ल्स के बेस पे हमारे नियम है, 2 प्रासरण दाब जिसके वजह से निकालते हैं, जिसमें हमारे पास पाई एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के होती है और पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक बार परम ताप टी का होता है। तो इन नियमों से हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला जो आता है आपके पास पाई इजिकल टू एस सी टी, एस सी टी बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं, सी का वैल्यू जब पुट करते हैं तो एन के फॉर्म में आता है, तो जो वैल्यू आता है, जो फॉर्मूला आता है, इसका आप परिभाषा और जो इसका फॉर्मूला है या जो इसका नियम है उसको आप तैयार कर लेंगे, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। इसके अलावा प्रतिलोम प्रासरण दाब की परिभाषा आपसे 1 नंबर का पूछा हुआ था एग्जाम में और पूछेगा भी। वान ठाप गुणांक तो आप लोग जरूर पढ़ के जाइए, इसका मान निकालना सीख जाइए कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कोई भी आपके पास कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसमें वान ठाप गुणांक की बात करेंगे तो इसका कितना होगा, तो ये सब चीज़ें जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप इन सभी टॉपिक को पढ़ लेते हैं बढ़िया से तो इसके अलावा इस चैप्टर के और भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएँ। बढ़िया से आपको बिलियन की सांद्रता पढ़ लेना, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आपके पास न्यूमेरिकल है उन सभी को प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप वीडियो के नीचे बढ़िया से और बहुत अधिक मात्रा में कमेंट करेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। देखिए न्यूमेरिकल आपके कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाने वाले हैं, न्यूमेरिकल आपके इन 3 टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। न्यूमेरिकल कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, इन 3 टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, हो सके तो मतलब इससे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाने वाले हैं। राउट के नियम से न्यूमेरिकल आपका पूछा जाएगा,
फिर आपका क्वथनांक उन्नयन हिमांक का उन्नयन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और प्रासरण दाब से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इन तीन चार टॉपिक जो आपके पास इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? न्यूमेरिकल पर्पज से। लेकिन इन सभी टॉपिक को अगर आप क्लियर कर बढ़िया से पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में, तो आपके एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक, आप प्रासरण दाब के आधार पर आपके जो विलयन होते हैं, समप्रसारी विलयन, अति प्रसारी विलयन और एक और विलयन होता है, इन सभी बारे में भी आप पढ़ लेंगे। प्रासरण दाब का मतलब कि इसके अंदर आने वाले जितने टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। इतना जब आप पढ़ लेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो इस चैप्टर के बाहर से पूछे गए हों। तो इस तरह आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन जितने हैं उनको तैयार कर सकते हैं, और इनको तैयार करके एक सेपरेट कॉपी बनाइए। और अगर आपके पास इसका सलूशन किसी बुक में किसी टीचर के पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में, आपको सारे क्वेश्चन का डिटेल सलूशन मिल जाएगा जिसको मैंने पढ़ाया बहुत बढ़िया तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला आप कमेंट कर सकते हैं, यह बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। ऐसे ही सारे जितने आपके चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दिया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या जो इस बार के एग्जाम में 2025 के एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।